झारखंड के गांव हल्दाना में पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। स्मालका थाना प्रभारी ने जानकारी देते बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गांव हल्दाना के पास एक खोखे में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेच रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि उन्होंने एक टीम का गठन किया। टीम ने एक्साइज विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर वहां पर छापा मारा और वहां से करीब 200 बोतल अंग्रेजी शराब, 195 बोतल देसी शराब और 37 बोतल बियर की मौके पर पकड़ी और वहां बैठे व्यक्ति से जब शराब बेचने का परमिट वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर पाया। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध रूप से शराब बेच रहे व्यक्ति प्रवीण को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि वह शराब यहाँ कहाँ से खरीद कर लाता था। कल हमें सूचना मिली थी कि हल्दाना गांव से बाहर कोई अवैध रूप से शराब बेच रहा है, जिस पर टीम तैयार की गई और एक्साइज इंस्पेक्टर को भी सूचना दी गई मौके बुलाने के बारे, जो टीम के साथ एक्साइज इंस्पेक्टर को साथ लेकर वहां पर रेड की गई। जो वहां पर रेड के दौरान उनसे परमिट और लाइसेंस बारे पूछा गया, जो उनके पास कुछ नहीं मिला, जो अवैध रूप से वो शराब बेच रहे थे। इस दौरान छापेमारी के दौरान लगभग 222 अंग्रेजी की बोतल, 196 देसी और 37 बियर की बोतल बरामद हुई। कितने लोग पकड़े गए सर, क्या कार्रवाई? अभी उनमें जो हासिल उसको हमने अरेस्ट किया है और जो भी आगे इसमें स्लिप्ट हुआ उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। स्मालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।